कौन थे राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह? आखिर क्यों अंग्रेजों ने उन्हें सरेआम तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया था? जोहार नमस्कार, मैं अभय बेदिया और आप सभी सम्मानित दर्शकों का ट्रैवल इंडिया टीवी के सीरीज स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि हम एक एक कर भारत के समक्ष आदिवासियों की वीर गाथा और वीरांगनाओं की वीर गाथा आपके समक्ष लेकर जरूर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। देश को आज़ाद कराने में 1857 की क्रांति का बड़ा योगदान रहा था। राजा शंकर शाह और राजकुमार रघुनाथ शाह दो ऐसे योद्धा थे जिन्होंने पूरे महाकौशल में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का डंका बजा दिया था। भले ही आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन 1857 की क्रांति में देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने का बिगुल बजा दिया गया था। इस आंदोलन में देश के कई राजकुमारों ने भी अपना योगदान दिया था, जिनके सामने अंग्रेज घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए थे, जिन्होंने न केवल अपना बलिदान दिया बल्कि अपने बलिदान से स्वतंत्रता की ऐसी चिंगारी को जन्म दिया जो बाद में अंग्रेजों के लिए आग बन गई। आज़ादी की बात हो और महाकौशल के वीर राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह की बात ना हो तो यह कहानी अधूरी ही रहती है, क्योंकि ये ऐसे योद्धा थे जिन्होंने हंसते हंसते देश की आज़ादी के लिए मौत को गले लगा लिया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाकौशल अंचल में फैला गौंड राज्य उस वक्त एक समृद्धशाली राज्य था। राजा शंकर शाह के पिता का नाम राजा सुमेर शाह था। 1789 में शंकर शाह का जन्म हुआ था। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का जन्म मंडला के किले में हुआ था। इस किले का निर्माण इसी गोंड राजवंश के राजा नरेंद्र शाह ने 1698 में करवाया था। यह किला तीन दिशाओं में मां नर्मदा की अतः जल राशि से घिरा हुआ था, जो इस किले को तीन दिशाओं में सुरक्षा प्रदान करती थी। उस समय राजा सुमेर शाह मराठों के बंदी होकर सागर के किले में कैद थे। रानी बेटे शंकर शाह के साथ राजधानी गढ़ापुरवा में आकर रहने लगी थी। शंकर शाह जंगल में बांस छीलकर नुकीले बांध तैयार करने में लगे थे। उन्हें देखकर आसपास के गोंड बालक भी जुड़ गए। धनुष बाण से वे निशानेबाजी का अभ्यास करने लगे। थोड़े ही दिनों में उनकी एक मित्र मंडली तैयार हो गई, जिसे गोटिया दल का नाम दिया गया। इस बीच मराठों ने सुमेर शाह को कैद से मुक्त कर दिया। वे भी परिवार के साथ पूर्वा में रहने लगे। 1800 में पूर्वा स्थित हवेली में 16 वर्ष की उम्र में शंकर शाह को युवराज बनाया गया। शंकर शाह गुरिल्ला युद्ध के जरिए मराठा सैनिकों पर हमले करने लगे। पिता के वीर गति को प्राप्त होने के बाद शंकर शाह राजा बने। हालांकि राज्य के नाम पर कुछ नहीं था, वह अपने गोटिया दल के माध्यम से छापामार युद्ध जारी रखे हुए थे। 20 की उम्र में उनकी शादी युद्ध कला में निपुण फुलकुंवरी से हुई। 2 साल बाद कुंवर रघुनाथ शाह का जन्म हुआ। राजा शंकर शाह ने मराठों से अपना राज्य पाने के लिए पिंडारी सरदार अमीर खां से मदद मांगी, पर पिंडारियों ने दोहरी चाल चली। 12,000 घुड़सवारों और 7 तोपों के साथ अमीर खां और 2,000 पिंडरियों के साथ सरदार सहमत खां ने जबलपुर पर हमला बोलकर लूटपाट और हर तरह के अत्याचार किए। देवस्थानों को भी नहीं छोड़ा। इस वादाखिलाफी से दुखी होकर राजा शंकर शाह ने अपने साथियों के साथ राज्य प्राप्त की योजना बनाने लगे। 1857 में जबलपुर में तैनात अंग्रेजों की 22वीं रेजिमेंट का कमांडर क्लार्क बहुत ही क्रूर था। वह इलाके के छोटे राजाओं जमींदारों को परेशान किया करता था और मनमाना कर वसूलता था। इसी पर तत्कालीन गोंडवाना राज्य, जो कि मौजूदा जबलपुर और मंडला का इलाका था, वहां के राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह ने अंग्रेज कमांडर क्लार्क के सामने झुकने से इनकार कर दिया। दोनों ने आसपास के राजाओं को अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा करना शुरू किया। बताया जाता है कि दोनों बाप बेटे अच्छे कवि थे और वह अपनी कविताओं के जरिए राज्य में लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित करते थे। राजा शंकर शाह ने 1811 में अपने गोटिया दल के साथ नागपुर से जबलपुर भेजी गई बंदूक और कारतूस बरगी के जंगलों में हमला कर छीन लिया। लगभग 47 बंदूकें और कारतूस की 23 पेटियां मिली। इससे राजा शंकर शाह की शक्ति बढ़ गई।
दुर्भाग्य से 20 दिसंबर 1817 को अंग्रेजों ने भोसले से जबलपुर को छीन लिया। शंकर शाह ने ब्रिगेडियर जनरल हार्डीमेन से मुलाकात कर राज्य पर अपना दावा पेश किया। अंग्रेजों ने मांग ठुकरा दी। अंग्रेजों द्वारा मांग ठुकरा देने के बाद राजा शंकर शाह का संघर्ष उनके साथ शुरू हो गया। 1818 के नव वर्ष पर अंग्रेजों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा। गोटिया दल के युवा आदिवासियों के लोक नृत्य और गीतों की प्रस्तुति देने पहुंचे। उस समय अंग्रेज प्रशासनिक परिषद के अध्यक्ष निकोल और 3 अन्य सदस्यों में मेजर मेनले, कैप्टन डिस्पार्ड और लेफ्टिनेंट हार्वे थे। रघुनाथ राव इंगलिया को कार्यकारी गवर्नर बनाया गया था। बनाए गए योजना के अनुसार 24 आदिवासी युवक युवतियों ने मोहक आदिवासी नृत्य करते करते सैनिकों की बंदूक छीनकर अंग्रेजों और वहां मौजूद अतिथियों पर आक्रमण कर दिया। लगभग 20 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। इस पर अंग्रेज सेना ने हमला कर दिया। अंग्रेजों द्वारा किए गए हमले में 24 आदिवासी युवक युवतियों को गोली से भून दिया गया। इस हमले के बाद 34 वर्षीय शंकर शाह ने बिना सामने आए अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। 1857 आते आते देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की ज्वाला भड़क चुकी थी। इसमें राजा शंकर शाह भी अपने बेटे रघुनाथ शाह के साथ शामिल थे। 1857 में शंकर शाह ने बेटे के साथ मिलकर अंग्रेज छावनी पर हमले की योजना बनाई थी। इसके लिए शंकर शाह ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से सहायता ली थी। रानी लक्ष्मीबाई ने तंबरों में बंदूकें और मटकी में कारतूसें भर कर दी। मेरठ की छावनी की विद्रोह के बाद जबलपुर में अंग्रेजों की 22वीं पलटन भी विद्रोह की तैयारी में थी। योजना थी कि अंग्रेजों के तोपखाने पर कब्जा कर अंग्रेजी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट क्लार्क को इसकी भनक लग गई। लेफ्टिनेंट क्लार्क ने सेना के साथ रात के अंधेरे में चौहानी शमशान में सो रहे दल पर आक्रमण कर दिया। सभी को गोली से भून डाला, फिर तेल डालकर जला दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने राजा शंकर शाह की बखरी का घेरा डाल दिया। घर की तलाशी में कविता का संग्रह मिला। इसे अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह बताते हुए राजा शंकर शाह उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह और उनके 13 विश्वस्त सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काने का देशद्रोह साबित करते हुए तोप के मुंह में बांध कर उड़ा देने की सजा सुना दी गई। 18 सितंबर को मौजूदा मालगोदाम में उन्हें तोप के मुंह पर बांधा गया। शंकर शाह ने बांधने वालों से कहा, जरा जोर से बांधो, कहीं कसर ना रह जाए। फिर मातृभूमि का जयकार करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। गिरफ्तारी के वक्त कुंवर रघुनाथ शाह ने निर्भय होकर जवाब दिया कि हमारे देश में हमें ही गिरफ्तार करने का हुक्मनामा तुम्हारे बर्बर और जंगली होने का सबूत है। कौन कहता है तुम लोग दुनिया के सबसे सभ्य कौम हो। पिता और पुत्र के बलिदान के बाद रानी फुलकंवरी ने मोर्चा संभाला। बाद में अंग्रेजों से घिर जाने के बाद उन्होंने खुद ही कटार सीने में उतार ली। अंगरक्षक को आज्ञा दी कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ ना लगे और अंगरक्षक ने वहीं तेल डालकर शरीर को आग लगा ली। 1857 की क्रांति में अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह गढ़ा मंडला और जबलपुर के गोंड राजवंश के प्रतापी राजा संग्राम शाह के वंशज थे। इस राजवंश की कई पीढ़ियों ने देश और आत्मसम्मान के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे। राजा संग्राम शाह के बड़े पुत्र दलपत शाह थे, जिनकी पत्नी रानी दुर्गावती और पुत्र वीर नारायण ने अपनी मातृभूमि और आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अकबर की सेना से युद्ध कर अपना बलिदान दे दिया। इसके पश्चात गढ़ा मंडला अकबर के अधीन हो गया। अकबर ने अपनी अधीनता में शासन चलाने के लिए रानी दुर्गावती के देवर राजा दलपत शाह के छोटे भाई चंदा नरेश या चंद्र शाह को राजा बनाया। इन्हीं चंद्र शाह की 11वीं पीढ़ी में अमर शहीद शंकर शाह ने जन्म लिया। राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह ने 1857 की क्रांति में अपना प्राण अर्पित कर इस वंश से पुनः देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। ऐसे अमर बलिदानी वीर शहीद राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को सत सत नमन। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कर और भी लोगों तक यह जानकारी पहुंचाएं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताएं और जुड़े रहें ट्रैवल इंडिया टीवी से।
अगले एपिसोड में फिर से एक जनजाति नायक की योगदान और वीरता की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।